हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक फॉर अनदर वीडियो। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगा आप में से जितने भी लोग जेईई मेन 2022 के जून सेशन को देने वाले हो उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। कल से बहुत सारे आपके शिफ्ट्स होने वाले जेईई मेन के। इस बार सबसे ज्यादा शिफ्ट्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं, दैट इज 12। एंड इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ज्यादा इतना सोचो मत कि यार कौन सा शिफ्ट इजी आएगा कौन सा शिफ्ट टफ आएगा। जैसे पेपर आता है उसको अपने मेरिट पे सॉल्व करो, और इतना ओवरथिंक करने से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है, नुकसान ही हमेशा यूजुअली आपको फेस करना पड़ता है, ठीक है। सो आज इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ एक है। आज हम तीन चीजों को एड्रेस करने वाले। सबसे पहले अगले 10 मिनट में हम ट्राई करेंगे आपका प्रोबेबिलिटी सुधर जाए, आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सुधर जाए, बट द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हम चाहते हैं कि आपको समझ में आ सके कि आप कैसे 60 प्लस क्वेश्चंस आउट ऑफ अ पॉसिबल 75 अटेम्प्ट कर सकते हो इन योर जेईई मेन एग्जामिनेशन, ठीक है। आज बात करने वाले हाउ मेनी क्वेश्चन शुड यू आइडियली अटेम्प्ट इन योर जेईई मेन 2022 पेपर। आइए सबसे पहले जेईई मेन के कुछ डायनेमिक्स को समझते हैं ताकि आपका एग्जामिनेशन जब भी 24th को या फिर 29th को हो आपको एक हेड स्टार्ट मिल सके बाकी सबसे आगे से। ओके, सुना आपके जेईई मेन में दो टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपका सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन, और दूसरा है आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। दोनों में इस बार आइडेंटिकल मार्किंग स्कीम रखी गई है। जो मार्किंग स्कीम है आपका +4 -1 0। अगर मान लीजिए आप करेक्ट होता है तो +4, रॉन्ग होता है तो -1, और अगर आप अन अटेम्प्ट करते हो ठीक है तो उसको मिलता है आपको 0, यानी कि कोई भी स्कोर ऐड या डिटेक्ट नहीं होता है। सिमिलरली गोज फॉर द न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आल्सो, लेकिन यूजुअली ये +4 0 0 हुआ करता था, लेकिन इस बार आप अगर अटेम्प्ट कर रहे हो और उसमें गलत आंसर आ रहा है आपको -1 मिलता है, ठीक है। सबसे पहली बात, मैक्सिमम क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, कितने क्वेश्चंस आपको जेईई मेन में दिए जाते हैं और कितने आपको उसमें से अटेम्प्ट करने हैं एट मैक्स, ठीक है। 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन के, आपको 60 के 60 अटेम्प्ट करने की पूरी लिबर्टी दी गई है 20 फिजिक्स में, 20 केमिस्ट्री में और 20 मैथमेटिक्स में। उसी तरफ आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चंस दिए गए हैं और वहां से आपको सिर्फ और सिर्फ 15 अटेम्प्ट करने, दैट इज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के हर एक सेक्शन में 10 क्वेश्चंस ईच दिए जाएंगे, वहां से आपको हर एक सेक्शन में 5 क्वेश्चंस ईच अटेम्प्ट करने, दैट इज 5 फिजिक्स 5 केमिस्ट्री एंड 5 मैथमेटिक्स। सो नाउ थिंग्स हैव बिकम अ लिटिल बिट इजियर ऑन द न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पार्ट। यार यहाँ पे आपको 10 में सिर्फ और सिर्फ 5 करने हैं, तो आपका पहला प्रोसेस क्या होना चाहिए, आपको जो इजियर क्वेश्चन है उनको छांट लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10 क्वेश्चन आप देख रहे हो, दो तो आपको समझ में आ जाएगा यार कि यार ठीक है ये मैं नहीं पढ़ के आऊँ, ये मेरे कंफर्टेबल जोन के बाहर है, तो यार कंफर्ट जोन में रह के काम करेंगे अपन और इसको अपन नहीं बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए आपके 8 में से 4 बन गए, तो 4 को डेफिनेटली आप मार्क कर दीजिए, और बाकी के जो 4 है पेपर के एंड में अगर टाइम बचता है तब उसको देखिए, क्योंकि वहाँ पे स्टेक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है और वहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड इवेल्युएट हो चुका है पहले से, ठीक है। कि आपको अगर मान लीजिए +4 के लिए जा रहे हो, प्रोबेबिलिटी उतनी होती नहीं है कि आपका सही हो, तो इसलिए आप -1 के रिवॉर्ड में ज्यादा रहते हो। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में इतना दिमाग मत लगाओ। व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ करेक्ट गेस क्या है आपका सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में 1/4, इनके साथ बिना देखे तुक्का मार रहे हो, और इनके साथ आप बिना देखे तुक्का मारे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी है आपकी ऑलमोस्ट 0। सिंपल, क्या हम रेकमेंड करते हैं कि आप जेईई मेन के दिन इस सेक्शन में गेस मारिए? यस डेफिनेटली इन द सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन अरीना एंड नॉट इन द न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चंस टू बी आइडियली अटेम्प्टेड, आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए इस सेक्शन में ताकि आप एकदम अपने स्कोर को मैक्सिमम यूटिलिटी पे ला सको? आई से 60 out of 60। इनकी से अगर आपके मॉक में भी 50 नंबर आ रहे, 60 नंबर आ रहे, 70 आ रहे, 80 आ रहे, 90 आ रहे, आप पूरे के पूरे 60 on 60 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन में अटेम्प्ट कीजिए। क्यों, मैं आपको सामने बताने वाला हूं, और आप खुद जब देखोगे ना आपको शॉक लगने वाला है बहुत बड़ा वाला, ठीक है। और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में एज मच एज यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट, आप इतने ही करो। सिंगल करेक्ट में आपको बोल रहा हूँ मैं 60 on 60 करने के लिए, न्यूमेरिकल टाइप में जितने बन रहे हैं उतने बनाओ, उससे एक ज्यादा मत बनाओ, वहां पे आपका रिवॉर्ड चाहे उतना ही है बट रिस्क कंपैरेटिवली यहां से ज्यादा है, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ करेक्ट आंसर सिंगल करेक्ट में ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कितने
मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन योर स्टूडेंट कैटेगरी। अगर मान लीजिए आप एक जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आपको डिसेंट एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी चाहिए, आपको स्कोर करना पड़ेगा 190 से 200 के बीच में। अगर मान लीजिए आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के कैटेगरी से है, आपको स्कोर करना पड़ेगा 165 टू 175। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए भी एक सिमिलर कैटेगरी हमने रखा है ओबीसी एनसीएलवी, क्योंकि इनके कट ऑफ ऑलमोस्ट आसपास ही रहते हैं। शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स के लिए 110 टू 125, शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए अगेन 110 to 115, and for the PWD candidates you have to score less than 65. तो यहाँ पे जो ST candidates है वो इतना मान के चलो और PWD candidates है वो इतना max मान के चलो, okay? Now I'm telling you, आपको अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे अगर आप एक general candidate हो, आप 50 question attempt करोगे 100% accuracy के साथ, वो हर केस में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। चांसेस ऑफ यू गेटिंग 190-200 आफ्टर स्कोरिंग ओनली एंड ओनली 50 क्वेश्चंस इन योर जेईई मेन एग्जामिनेशन एंड ऑल करेक्ट, दैट इज एक्चुअली अ मिथ। उससे बेटर होता है कि अगर आप मान लीजिए 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो विथ ऑलमोस्ट 90 या फिर 85% एक्यूरेसी, दैट गिव्स यू मोर चांसेस ऑफ सक्सीडिंग इन योर जेईई मेन्स एग्जामिनेशन, ओके। सिमिलरली ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो, हमारे 175 आ जाएंगे। आपको कम से कम यहाँ पे 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे भी सिमिलर केस है, 65 क्वेश्चन यहाँ पे आप अटेम्प्ट करो, यहाँ पे भी आप अटेम्प्ट करके आओ कम से कम यार 50 क्वेश्चन। और यहाँ पे भी अगर आप मान लीजिए वर्स्ट केस में भी 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आपके पास एक फेयरली डिसेंट चांस है। बट मेरे को एक भी ऐसा बंदा नहीं मिलना चाहिए कमेंट सेक्शन में जो बोल रहा है कि यार मैं सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊंगा। आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपके साथ जा रहा है उसका भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, और फालतू का पेट्रोल खर्चा करो वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। कुछ नहीं मिलने वाला आपको आईआईटी एनआईटी में। बट एक सिनेरियो मैं आपको यहां बता दे रहा हूं कि आप अपन साइंटिफिकली इसको कैसे प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से देखो, पी प्लस क्यू इक्वल टू वन, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ गेटिंग एन आंसर करेक्ट, एंड क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेलियर इन मार्किंग द करेक्ट आंसर इन योर सिंगल करेक्ट ऑप्शन ऑफ जेईई मेन 2022। जितना आपके सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है उसमें पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड क्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। तो मान लीजिए अपन एक रैंडम तुक्का मारे, फर्स्ट इंटरेस्ट ले रहे अपन एक रैंडम तुक्का मार रहे, ऑप्शन बिना देख के चार में से कुछ भी मार दे रहे अपन। सो हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.25, क्योंकि चार में से ऑब्वियसली एक ही सही है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 0.75। तो कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे, P प्लस Q इक्वल टू वन था, उसको मैंने यहाँ पे बाइनोमियली एक्सपैंड कर दिया। P प्लस Q टू द पावर 5 इज इक्वल टू 5 से 0 P टू द पावर 5, 5 से 1 P टू द पावर 4 Q, 5 से 2 P क्यूब Q स्क्वायर, 5 से 3 P स्क्वायर Q क्यूब, उसके बाद 5 से 4 P Q टू द पावर 4 एंड 5 से 5 Q टू द पावर 5। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 5 क्वेश्चंस करेक्ट। अगर आप मान लीजिए 5 क्वेश्चन में तुक्का मारते हो, आपकी प्रोबेबिलिटी कि आपका पांचों सही निकले वो है ये, आपके 20 मार्क्स होंगे ऑब्वियसली। अगर आपके 4 सही हो रहे हैं और एक गलत हो रहा है, यू आर स्कोरिंग एन इवेंचुअल स्कोर ऑफ 15 मार्क्स एंड दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। 10 मार्क्स स्कोरिंग प्रोबेबिलिटी आपकी ये है, 5 की ये, 0 की ये, और यहाँ पे -5 की ये। तो आप देख सकते हो यहाँ पे द ओनली सिनेरियो इन विच यू आर गेटिंग अ नेगेटिव स्कोर बाय अटेम्प्टिंग 5 क्वेश्चंस, मान लीजिए आप कोई भी क्वेश्चन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन के आप ऑप्शंस को देख रहे हो लेकिन यार चारों इक्वल आके लग रहे हैं तुक्के मारने, आई ऑलवेज सजेस्ट यू 5 के आप ग्रुप बनाओ और 5 के ग्रुप में आप तुक्के मारो, ठीक है। ये अभी आपको दिख जाएगा कि मैंने आपको ये क्यों सजेस्ट किया है। द ओनली प्रोबेबिलिटी दैट यू आर स्कोरिंग लेस देन 0 इज व्हेन यू आर स्कोरिंग -5, ठीक है। एक ही बस इंस्टेंस है, बाकी सारे इंस्टेंस में या तो आप न्यूट्रल में हो या तो आप पॉजिटिव में हो, ठीक है। अब देखते हैं क्या सिनेरियो बैठ रहा है यहाँ पे। द प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गेटिंग अ नेगेटिव स्कोर ऑफ -5 इज 0.75 टू द पावर 5, दैट इज इक्वल टू ओनली इन 23.73% ऑफ द केसेस यू आर स्कोरिंग -5 एंड इन ऑल अदर cases you are getting either a score of 0 or a positive score. Now the possibility of you scoring 20 on 20 after attempting 5 questions, ekdam aise tukka maar rahe ho aap, that is less than even a percentage. But ab aap dekho aapki probability kitne kya, 15 score kar sako, 10 score kar sako, 5 score kar sako, 0 score kar sako, okay, theek hai. Ab aap yahan se dekh sakte ho 1.4% chance hai ki aap yahan pe 15 score karoge, considerably percentage ab badhta hai. अगर मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन तुक्के मारे, आपके 8.7% चांसेस है कि आपको +10 मिलेगा, आपके 26% चांसेस है कि आपको 5 मिलेगा। यहां पे सीन देखो,
23% चांस है कि आपको माइनस फाइव मिल रहा है, 26% चांस है कि आपको प्लस फाइव मिल रहा है, 39% एंड दिस इज द मोस्ट लाइकली आउटकम एक्चुअली कि आपको जीरो मिलेगा। बट आप ये चीज देखो, 23% ये ओनली आउटकम है जहां पे आपको माइनस फाइव मिला, तो इसीलिए जेई मेन आपको प्रमोट कर रहा है। यार आप तुक्के मार सकते हो, आपको जो मार्किंग स्कीम दिया गया है प्लस फोर माइनस वन का, ये एक बहुत ही बढ़िया मार्किंग स्कीम है जहां पे आप इसको एक्सप्लॉइट करके अपने मार्क्स को कम से कम 30 से 40 नंबर बढ़ा सकते हो। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस, इसका एडवांटेज लो। सिर्फ 23% चांस है कि आप नुकसान में रहोगे, एंड यहाँ पे गैम्बल खेलना आपके लिए बहुत ही बड़ा फायदा का बात हो सकता है। 26% चांसेस है प्लस 5 के, 8.7% चांसेस है प्लस 10 के, 1% चांस है प्लस 15 का, एंड दिस इज द मोस्ट अनलाइकली सिचुएशन, बट स्टिल दिस इज द सिचुएशन कि आपको लेस देन 1% चांस है कि आपको 20 ऑन 20 मिल जाएगा। बट मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पे कि आपके चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको यहां पे एक पॉजिटिव स्कोर ही मिलेगा रादर देन अ नेगेटिव स्कोर। नाउ इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स सिंपलर फॉर यू, अगर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सको, मान लो ठीक है, मैंने एक वीडियो डाला था एक साल पहले जेई मेन 2021 कैंडिडेट्स के लिए, मैं वापस कुछ देर बाद उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा आप लोग के बेनिफिट के लिए, ताकि आप लोग उसको देख के जेई मेन के एग्जामिनेशन के दिन ऑप्शन एक्सप्लॉइट कर सको। लेकिन मान लीजिए अपन एक ऑप्शन को सेफली एलिमिनेट कर सकते हैं कि यार ये तो नहीं हो रहा है, आप उसके बाद आपके चांसेस ऑफ यू नो सक्सेस कितने बढ़ जाते हैं, अब उसको देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया चार क्वेश्चन से, हम उस चार क्वेश्चन को अब देखने जा रहे हैं कैसे आपको उसको अप्रोच करना है। ठीक है, P plus Q is power 4, वापस उसको बाइनोमियली एक्सपैंड कर दीजिए। इस बार पांच क्वेश्चन का सेट दे रहा हूं, इस बार मैं चार क्वेश्चन के सेट में तुक्के मारने जा रहा हूं। 4C0 P to power 4, 4C1 P cube Q, 4C2 P square Q square, 4C3 P Q cube और उसके साथ 4C4 Q to power 4। द ओनली पॉसिबिलिटी इन विच आर स्कोरिंग अ नेगेटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम दिस इज माइनस फोर, जहां पे आपके चार क्वेश्चन गलत हो गए। द ओनली वे यू आर गेटिंग अ न्यूट्रल स्कोर इज बाय गेटिंग 1 correct and 3 रॉन्ग। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो यहां पे न्यूट्रल भी नहीं आ रहा है, बेसिकली आपको प्लस 1 मिल रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो 1, 16, 11 और 6 ये पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव में, और एक नेगेटिव स्कोर मिल रहा है आपको माइनस 4। तो द पॉसिबिलिटी ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ स्कोरिंग माइनस 4 देख लेते हैं, आप लोग डरते हो बहुत ज्यादा, दैट इज इक्वल टू 0.67 टू द पावर 4, क्योंकि यहां पे आपके तीन में से एक सही है और दो गलत है। ओनली एंड ओनली 19% चांसेस है कि आपके पास एक स्कोर ऑफ माइनस 4 आएगा। मान लीजिए द स्कोर ऑफ 1 की परसेंटेज कितनी आपकी यहां पे, दैट इज 39.48%। ठीक है, द ओनली चांसेस दैट यू आर गेटिंग अ नेगेटिव स्कोर इज इवन लेस देन 20%, और बाकी सारे ऑप्शंस में आपके चांसेस एक्चुअली पॉजिटिव है स्कोर करने के। आप यहां पे देख सकते हो चांसेस ऑफ स्कोरिंग अ परफेक्ट 16 on 16 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 1%, दैट इज इक्वल टू 1.2%। योर चांसेस ऑफ स्कोरिंग 11 out of 16 इन द फोर क्वेश्चन जो कि आपने तुक्के मारे हैं एक ऑप्शन एलिमिनेट करके, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 9.87%। एंड द मोस्ट रियलिस्टिक चांस दैट यू आर हैविंग टू स्कोर इज इधर 6 or 1। Your probability of scoring 6 marks out of possible 16 which you are guessing is 29.69%, and your possibility of scoring 1 out of 16 जब आप 4 क्वेश्चन तुक्के मारे हो is 39.48%। तो आप यहां पे देख सकते हो 68% चांसेस में आप स्कोर कर रहे हो 6 या फिर 1, और एंड इन 81% ऑफ द केसेस व्हेन यू आर पुटिंग अ गैम्बल बाय गेसिंग यू आर एक्चुअली इन अ पॉजिटिव स्कोर रादर देन अ नेगेटिव स्कोर। देख सकते हो आप यहाँ पे, दिस इज द ओनली केस जहां पे आपको एक नेगेटिव स्कोर मिल रहा है, और बाकी इन सारे केसेस में आपको एक पॉजिटिव स्कोर मिल रहा है। अब बहुत से लोग बोलते हैं ये गैम्बल है, मैं आपको बोलता हूँ ये कोई गैम्बल नहीं है, मैंने आपको पूरा मैच दिखाया कि चांसेस ज्यादा है आपके सक्सेस के एज कंपेयर टू योर फेलियर। आप यहाँ पे भी देख सकते हो आपके फेलियर के चांसेस इतने, सक्सेस के चांसेस इतने ज्यादा है। अगर आप यहाँ भी देखो आपके फेलियर के चांसेस सिर्फ इतने और सक्सेस के चांसेस इतने ज्यादा है, ये एक न्यूट्रल अप्रोच है। ठीक है, बट स्टिल ये कोई गैम्बल नहीं है, मैंने आपको मैथमेटिक्स के थ्रू दिखाया कि जेई मेन चाहता है आप तुक्के मारो, क्या आप वो पुश लोगे जेई मेन के थ्रू? मैं होता, मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता। इन माय जेई मेन डेज हमारे समय में 360 का पेपर हुआ करता था, 90 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने पड़ता था, आई अटेम्प्टेड 89 आउट ऑफ पॉसिबल 90। आप सोच लोगे वो एक महीने क्यों छोड़ते हैं, वो मुझे दिखा नहीं था क्योंकि उस समय OMR में एग्जामिनेशन होता था ना कि ऑनलाइन। अगर
ऑनलाइन होता तो मुझे ऑब्वियसली कलर कोड से दिख जाता कि मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। तो इसीलिए इस बात को समझो कि यार आपके लिए 60 on 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सिंगल करेक्ट टाइप में कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेरी एडवाइस लो और प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपने जेएनयू के एग्जामिनेशन में, और मुझे एग्जाम से आके बताना गैम्बल कैसे आपका पॉजिटिवली खेला, क्योंकि अभी तक आप इतने मॉक्स दे चुके हो, आपको एक हैंग लग गया कि यार आंसर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर जेएनयू एग्जामिनेशन। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही बढ़िया करके आएंगे, और मुझे आके बताना आपका एग्जामिनेशन कैसा गया। तब तक के लिए बाय बाय।